श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे मैया, मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी? बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ, परंतु यह अब तक छोटी है। वे आगे कहते हैं कि तुम कहती थी कि बलराम भैया की भांति मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी और यह काटते गूंथते समय नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, परंतु ऐसा तो नहीं हुआ। तब वे माँ को उलाहना देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे रोज कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, इसीलिए मेरी चोटी बढ़ती नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी ने उन्हें गले लगाकर आशीष दी कि कृष्ण व बलराम की यह जोड़ी दीर्घजीवी हो। इस पद में गांव की एक गोपी यशोदा जी के पास शिकायत लेकर आती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है। दोपहर के समय उसने सूना घर ढूंढते ढूंढते घर में प्रवेश किया और द्वार खोलकर घर में रखे हुए दूध दही को स्वयं खाया और सभी मित्रों को भी खिला दिया। गोपी कहती है कि मैंने तो छींके के ऊपर टांग कर मक्खन की हांडी रखी थी, परंतु तुम्हारे कृष्ण ने ऊपर चढ़कर छींके का सारा मक्खन उतार लिया, कुछ खाया और कुछ धरती पर गिरा दिया। गोपी यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि ऐसा होने से दिन प्रतिदिन हमारे दूध दही की हानि हो रही है, पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है। सूरदास जी के अनुसार गोपी यशोदा को यहाँ तक कहती है कि तू अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती? सारे गांव में क्या तेरा ही बालक अनोखा है? इस प्रकार गोपी कृष्ण की माखन चोरी की माँ यशोदा से शिकायत।